नमस्ते दोस्तों, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन के 500 रुपये के बैंक नोट्स के बारे में। तो ये है मेरे कलेक्शन के 500 रुपये के नोट्स। इन 5 नोटों में से 4 नोट 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइज कर दिया गया था। 500 रुपये का सबसे पुराना नोट 1985 से लेकर 1992 यानी 1985 से लेकर 1992 तक इशू किया जाता रहा। इस नोट की साइज़ 167x73 mm थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये नोट 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइज कर दिया गया था। नोट के अगले भाग में दाहिने साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी और बाएँ साइड में वाटरमार्क के लिए जगह था। वाटरमार्क में अशोक स्तंभ था और उसके बगल में ही अशोक स्तंभ की तस्वीर भी बनी हुई थी। सामने में 500 रुपये लिखे हुए थे और RBI गवर्नर S. वेंकटरमणन का सिग्नेचर भी था। ये नोट RN मल्होत्रा, S. वेंकटरमणन और C. रंगराजन के सिग्नेचर्स के साथ में पाया जाता है। नोट के पिछले भाग में डांडी पदयात्रा की तस्वीर बनी हुई थी और बैकग्राउंड में एक राइजिंग सन बना हुआ था। 500 रुपये का दूसरा नोट साल 1997 यानी 1997 से लेकर साल 2000 यानी 2000 तक जारी किया जाता रहा। नोट की साइज़ थी 167x73 mm। इस नोट के दाहिनी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी और बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में डांडी पदयात्रा की तस्वीर बनी हुई थी और अलग अलग भारतीय भाषाओं में 500 रुपये लिखे हुए थे। 1997 में जारी किया गया 500 रुपये के बैंक नोट का डिज़ाइन 2016 तक चलता रहा। इस बीच 3 तरह के 500 रुपये के नोट जारी किए गए। 1997 से लेकर 2000 तक ये वाला नोट जो कि ग्रे ब्लू कलर का था और साल 2000 के बाद जो नोट इशू किए गए उनका रंग येलो ऑरेंज था। जो 500 रुपये के नोट साल 2000 से लेकर 2012 तक इशू किए गए उनमें रुपी सिंबल नहीं था और साल 2012 से लेकर 2016 तक जो नोट जारी किए गए उनमें रुपी सिंबल था। दोनों ही नोट देखने में बिल्कुल एक समान थे। नोट के दाहिने साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी, बाएं साइड में वाटरमार्क था जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर थी, पिछले भाग में डांडी पदयात्रा की तस्वीर बनी हुई थी और अलग अलग भारतीय भाषाओं में 500 रुपये लिखा हुआ था। ये दोनों ही नोट मेरे पास डी सुब्बा राव के सिग्नेचर के साथ में है। ये तीनों नोट 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइज कर दिया गया। जो अब तक का सबसे नया 500 रुपये का नोट है वो नोट पहली बार 2016 में जारी किया गया था और अब तक जारी किया जाता रहा है। ये नोट रघुराम राजन और उर्जित पटेल के सिग्नेचर्स के साथ में पाया जाता है। इस नोट की साइज 149x65 mm थी और सामने में बाईं तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर और वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी और नोट के पिछले भाग में लाल किला यानी रेड फोर्ट की तस्वीर बनी हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर बनी हुई थी और नोट के इश्यू किए गए वर्ष को लिखा गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।